गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्क्राइब ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1। इन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि बताइए कौन सा एक्सप्रेशन जो दिया है क्वेश्चन में वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल का और कौन सा नहीं है और स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, वो स्टेट भी दीजिए उसका रीजन भी बताइए क्यों नहीं है। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन अब देखिए मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल x और y और z, केवल एक ही वेरिएबल होगा, चाहे x हो जाए चाहे y हो जाए चाहे z हो जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर केवल x यूज हुआ है ना, तो वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है ठीक। और यहाँ पर पावर देखिए, x की पावर्स 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब पावर्स भी इसके होल नंबर्स है ठीक। तो ये एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये वैल्यू आपकी कंफर्म हो गई। चलिए सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, ये भी देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसमें और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 ये रियल नंबर है, तो ये भी वन वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल की, जो पावर्स है एक्स की इस पॉलिनोमियल में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पर 0 है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्लियर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी स्क्वायर रूट 2, इसे थोड़ा सा और ओपन करिए तो क्या होगा, 3 टी रेज टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट 2 मीन्स पावर 1/2 प्लस टी स्क्वायर रूट 2। अब देखिए वेरिएबल इसमें टी ही है, वन वेरिएबल तो है, बट पावर देखेंगे, पावर टी की पावर यहाँ पर कितनी है, द पावर ऑफ टी इज 1/2, इट मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर्स, 1/2 जो है होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये पॉलिनोमियल की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वह 1/2 है और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ होल नंबर तो है नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये दोनों आपके है ठीक। इसका फोर्थ देखिए, इन फोर्थ क्वेश्चन वाई प्लस 2/y, अब इसको भी थोड़ा सा ओपन करिए, देखोगे ये तो y ही है प्लस यहाँ 1/y है ना, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे 2 raised to power 2 into y raised to power -1, तो यहाँ पर देखिए इसमें वन वेरिएबल यूज है, हाँ यूज है, बट पावर देखेंगे यहाँ पर y की पावर कितनी है, -1, क्या -1 एक होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो ये इसके रीजन्स हो गए। रीजन में क्या लिखोगे, द पावर ऑफ वाई इज माइनस वन, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। इसमें फिफ्थ भी कहता है एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस वाई रेज टू द पावर 3 प्लस टी रेज टू द पावर 50। ये पॉलिनोमियल है, है ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? यहाँ एक्स रेज टू पावर 10 है, ये भी आपका होल नंबर है। वाई रेज टू पावर 3 है, ये भी आपका होल नंबर है। टी रेज टू पावर 50 है, 50 भी एक होल नंबर है। बट ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स, वाई और टी थ्री वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल हो गया। और ये सारे क्या थे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, और ये दोनों आपके नहीं हैं। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशियंट्स बताते हैं एक्स स्क्वायर के। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सेकंड का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स द कॉन्स्टेंट वैल्यू एड विथ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड है? तो मैंने कोफिशियंट के बारे में बताया है कि कोफिशियंट क्या होता है, वेरिएबल को आप हटा दीजिए, जो बचा उसके साथ वही उसका कोफिशियंट होगा। कोफिशियंट कॉन्स्टेंट होता है, या वेरिएबल के साथ भी हो सकता है, बट हियर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या ऐड है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं रिप्रेजेंट है और साइन इसका प्लस है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस वन जो है कोफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोफिशियंट क्या इसका बनेगा, वन। प्लस में है, प्लस का साइन चाहे यहाँ यूज करें चाहे ना यूज करें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन है और कोई नंबर नहीं ऐड है, तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, माइनस वन। ऐसे थर्ड पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर ऐड है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ऐड है, तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें कह रहा है स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है नहीं ना, तो एक्स स्क्वायर जब है नहीं तो यहाँ पर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा, जीरो। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट का मतलब क्या निकला, आपको कन्फर्म हो गया कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ऐड होगी वह उसकी कोफिशियंट हो जाएगी। या ऐसे समझिए, इसे आप छोड़ दीजिए, जो बचा वो आपका कोफिशियंट होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर को आपने छोड़ दिया, बाकी जो उसके साथ बचे हुए टर्म्स हैं
वो क्या है, उसके कोफिशियंट है, जो मल्टीप्लाई में उसके दिया रहेगा वो जो होगा उसका कोफिशियंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ना पूछ के एक्स के पूछा होता तो क्या करते, एक्स के साथ प्लस वन मल्टीप्लाई है तो प्लस वन हो जाता, मीन्स वन। तो ऐसे ही यहाँ पर कोफिशियंट आप कन्फर्म कर सकते हो, और वेरिएबल के साथ भी कोफिशियंट हो सकते हैं। सपोज डैट मैंने लिखा टू ए एक्स वाई। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, आपसे अगर हम x का कोफिशियंट पूछेंगे तो x को छोड़ दो तो क्या बचा, ए वाई, ये इसका कोफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। अगर y का कोफिशियंट पूछेंगे तो y को छोड़ दो, जो बचे टू ए एक्स बचा ना, ये y का कोफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका कोफिशियंट पूछा जाता है उसे आप छोड़ देते हो, तो बाकी जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, उसी वेरिएबल का कोफिशियंट हो जाएगा, ठीक। इसे आप अपने माइंड में सेट करिएगा। यहाँ तो केवल कांस्टेंट से रिलेटेड दिया गया है एग्जांपल, कभी कभी ऐसे भी दो तीन वेरिएबल यूज़ करके उसमें पूछ लेते हैं। तो आप जानते रहिए, जिसको पूछा जाएगा उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो कोफिशियंट है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री जो है 35 होगी, और एक मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री जो है 100 होगी। तो बाइनोमियल मीन्स, आपको मैंने बताया, अ पॉलिनोमियल विच है टू टर्म्स। तो जिसके पास टू टर्म्स होंगे उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक। तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल हमें देना है, तो जनरल मैं एग्जांपल एक बनाता हूँ, जनरल ए एक्स रेस्ट पावर 35 प्लस बी। तो ये जनरल हो गया। अब ए बी क्या है, ए बी आपके रियल नंबर्स हैं। अब कुछ भी आप रियल नंबर यहाँ पर यूज करोगे तो आपका बाइनोमियल का एग्जांपल बन जाएगा। सपोज करिए मैंने 2 3 लिया, ए बी को 2 3 ले लेते हैं, ए को हम 2 ले लेते हैं और बी को हम 3 लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एक्स रेज टू पावर 35 प्लस 3। तो ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे मोनोमियल का भी पूछा है आपसे, तो मोनोमियल का भी देख लेते हैं। मोनोमियल में आपको बताया गया था मोनो का मतलब क्या होता है, वन से। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास वन टर्म हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास वन टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। इसका भी हम जनरल अगर फ्रेम बनाएंगे तो ए, और अब इसके साथ कह रहा है कि जो वेरिएबल यूज होगा उसकी पावर, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो ए एक्स रेज टू पावर 100 बन गया, ठीक है। अब ये पावर जो 100 हो गई, तो ये आपका 100 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जो मोनोमियल है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए रिलेट टू रियल नंबर्स, ए रियल नंबर से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब रियल नंबर से रिलेट करता है तो यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रखें, सपोज करिए कि वैल्यू मैंने रखा -1/2, तो यहाँ -1/2 एक्स रेज टू द पावर 100। तो ये आपका मोनोमियल तैयार हो गया, ये एग्जांपल बन जाएगा। आप ए की वैल्यू कुछ भी आप रख कर डिफाइन कर सकते हो, यू आर फ्री टू चूज ए, इट इज़ क्लियर। Now let us move further. In question number 4, write the degree of each of the following polynomials. कह रहा कि डिग्री आप बताइए, पॉलिनोमियल्स की जो है डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया, द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होगी वह उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x, यहाँ देखिए x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो 3 2 1 में कौन सबसे बड़ा है, 3 है। तो x की मैक्सिमम पावर 3 है,
तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 - y² वेरिएबल y है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ y, y की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तो थर्ड में दिया है 5t - √7। अब इसके देखिए t केवल 1 वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। जो भी मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल होगा वो उसकी डिग्री हो जाती है, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन ओनली रिटन हियर 3। अब 3 1 कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स जो वेरिएबल यूज़ होगा उसकी पावर क्या होगी, 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। इट इज़ क्लियर, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल आपको डिफिनीशंस पता हो तो उनके बेसिस पर आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 5 क्लासीफाई द फॉलोइंग आर लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हमें क्लासीफाई करना बताना है कि ये जो है लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में है। तो लीनियर के बारे में आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज 1, अगर मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है 1 है तो लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज 2, तो वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज 3। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और आपसे क्यूबिक के बारे में पूछ रहा है और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो आप इन्हीं 3 में से जो है सबको डिफाइन करना है। लीनियर के बारे में मैंने बता दिए, पावर 1 होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है x² + x, तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ क्या है, डिग्री कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है x की, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। चलिए सेकंड देखते हैं। ये सेकंड x - x³, तो इसके यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इन थर्ड क्वेश्चन y + y² + 4, द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ y की मैक्सिमम पावर 2 है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिग्री के बेसिस पर आपको पॉलिनोमियल डिफाइन करने हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 1 + x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी डिग्री आप डिग्री देख लीजिए, वैल्यू आप बता सकते हैं, डिग्री 1, तो लीनियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 3t मैक्सिमम पावर 1, तो ये भी क्या है, लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 6 r² डिग्री कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 7x³ डिग्री कितनी है, 3, तो क्यूबिक, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पर ही हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, तो डिग्री जितनी होगी आपका बन जाएगा
उसी टाइप का पॉलीनोमियल। तो वन पर लीनियर, टू पर क्वाड्रेटिक, थ्री पर क्यूबिक और फोर पर बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। सी हियर, अ रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। कह रहा कि कोई रियल नंबर ए है, वो पॉलीनोमियल पी एक्स का जीरो बोला जाएगा अगर हम एक्स के प्लेस पर इस ए को रख देते हैं, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसे कैसे समझेंगे, सपोज करिए पी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स माइनस वन, यहाँ पर हमने पुट किया पुट एक्स इज इक्वल टू वन, देन पी वन इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा है, वन, तो ये वन किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। अब देखिए यहाँ पर पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो निकल गया ना, तो ऐसी कंडीशन में जो ये वन होगा, वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, इस पी एक्स का वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या करेंगे, हमारे पास कोई पॉलीनोमियल दिया है, सपोज करिए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इस पॉलीनोमियल में हमने एक्स की वैल्यू सपोज करिए वन यहाँ पर पुट किया, वन हमने पुट किया, वन इज़ अ रियल नंबर और यहाँ पर हमने एक रियल नंबर ए लिया है जो एक्स के प्लेस पर रखा जाएगा, कहने का मतलब ए जो है ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ गया ना, P1 इज इक्वल टू जीरो बन जा रहा है। तो ऐसी केस में ये जो आपका रियल नंबर वन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, इसका ये जीरो हो जाएगा। और इन दिस केस, इसी केस में क्या कहा जाता है, A इज आल्सो कॉल्ड रूट, इस A मींस वन को जो आपने पुट किया है, ये वन क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ द इक्वेशन Px इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको पी एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब पी एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये वन क्या है, इसका रूट बन जाएगा। रूट, रूट मीन्स अ रियल नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ऐसा रियल नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वह उसका रूट बन जाता है। ठीक है, तो रूट बन गया, ये इसको सेटिस्फाई किया, एक्स इज इक्वल टू वन अगर आप रखे तो जीरो आ गया तो सेटिस्फाई कर गए, अगर जीरो नहीं आता तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पर आपने एक्स इज इक्वल टू वन रखा तो ये आपका जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो इसको सेटिस्फाई किया, इस पॉलीनोमियल को ये सेटिस्फाई किया। तो अब पी एक्स इज इक्वल टू अगर हम जीरो रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आपको वन मिल जा रहा है ना, तो वन इज़ द रूट ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल और वन इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है और पी एक्स जो वैल्यू दी जाती है ये पॉलीनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आपने एक्स की वैल्यू उठा के रखा कुछ भी और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो एक्स की उसी वैल्यू के लिए, उस रियल वैल्यू के लिए यह पी एक्स एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ऐसी केस में वह जो वैल्यू आपने चूज किया है वह रूट भी बोली जाएगी, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के लिए जो वैल्यू आपकी होगी वह रूट बोली जाएगी। ठीक है, इसे दूसरे एग्जांपल से भी समझें तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लीनियर का एग्जांपल लिया और लीनियर में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कहने का मतलब एक यूनिक वैल्यू मिलती है। सपोज करिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ले लिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमारा एक पॉलीनोमियल है। ठीक, अब इस केस में
कांस्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम डिराइव करते हैं। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी देखिए कोफिशियंट 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्लस माइनस 1 आता है। अब सारे टर्म्स इसके प्लस हैं तो हम क्या रखेंगे, माइनस ही रखेंगे, तभी ये 0 बन सकता है। ठीक है, ये जो है चेक करने का रूल होता है कि अगर सारे टर्म्स जो हैं प्लस हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको 0 बनाने के लिए निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें निगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो निगेटिव लाने के लिए ही यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी एक्स में हम क्या करेंगे, इन पी एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हमने -1 रख दिया। अब यहाँ देखिए -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 आएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 1, तो यहाँ 1 1 2 और -2 करेंगे तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 क्या है, ये रूट है, -1 क्या है, ये रूट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। और यही -1 जो है इसी पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो यहाँ से एक वैल्यू कन्फर्म हो गई कि जो 0 होगा वह उसका रूट भी होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वह उसका अगर इक्वेशन बनाया जाएगा तो उसका वह रूट हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है। आप रूट कब कहोगे, जब वह एक इक्वेशन के फ्रेम में कन्वर्ट होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 बना देगा। और आप 0 कब कहोगे, जब वह एक पॉलिनोमियल के फ्रेम में आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी केस में इसे हम क्या कहेंगे, -1 को इसका हम 0 बोलते हैं। और ये 0 हो गया जब ये आपका इक्वेशन बन गया, पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिए, या तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम रखे x इज इक्वल टू -1 तो ये 0 बन जा रहा है। तो ऐसी केस में ये आपका रूट बन जाएगा। क्लियर, तो रूट और जीरोज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, एक ही वैल्यू दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, रूट को भी रिप्रेजेंट करती है और जीरोज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो जीरो है वह किस किस कंडीशन में कैसे कैसे रूल्स अदा करता है। तो पहला तो बता दिया गया कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है या लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा उसका जो जीरोज होता है, वो जीरो जो मिलता है वह एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक, अब जीरो जो होते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं और कोई भी रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया जाएगा उसके जीरोज क्या हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम नोट में इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब अगर आपको जीरो का एग्जांपल दिया जाए तो जीरो के एग्जांपल में सपोज करिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ऐसी केस में x की वैल्यू हमें पी एक्स यहाँ 0 लाना है, तो x की वैल्यू जब तक हम 0 नहीं रखेंगे तब तक ये 0 बनेगा नहीं। तो इस केस में क्या है, 0 है ना। और अदर केस में भी आपने देखा पी एक्स इज इक्वल टू, जब आपने एक्स माइनस 1 किया तो ऐसी केस में आपको 0 नहीं मिला, x की वैल्यू 0 नहीं मिली। तो यहाँ यही कह रहा है कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। तो जो 0 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होगा यहाँ पर, वह 0 भी हो सकता है, अदर नंबर भी हो सकता है। ठीक, सेकंड थिंग, 0 में भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल,
जीरो में भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है। एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है, रूट है, अगर इक्वेशन बन जाएगा ना। तो अगर आपने टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर जीरो आ जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो जो होगा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, मे बी कह रहा है ना, हो सकता है। थर्ड केस कह रहा कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, कहने का मतलब ये आपका यूनिक होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैंने आपको दिया क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब x की वैल्यू आपने देखा वन रखा तभी ये जीरो हुआ, p1 वन इज इक्वल टू जीरो आपको मिला है। तो ऐसी केस में आपने क्या पाया कि ये जो आपका एक और केवल एक ही जो है यहाँ पर जीरो मिल रहा है, वो जीरो क्या है? x, x ही इसका रूट है, रूट है, जीरो है। लीनियर के केस में वन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल वन जीरो ही मिलेगा। यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताया गया डिग्री वन है तो लीनियर है, तो डिग्री वन है तो लीनियर है, तो ऐसी केस में केवल वन जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा भी जीरो रख सकता है। इसका देख लेते हैं, एक से ज़्यादा जीरो रखने का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? सपोज करिए वैल्यू लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो रखें, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या होगा? पी ज़ीरो पर आपकी वैल्यू जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो आ गया जीरो, तो फर्स्ट हो गया जीरो। अगर हम एक्स इज इक्वल टू टू यहाँ पर पुट करें, इफ एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो ऐसी केस में वैल्यू क्या आ जाएगी? देन पी ऑफ टू यहाँ क्या होगा? टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, टू स्क्वायर मीन्स फोर माइनस फोर आ गया जीरो। तो इन दिस केस हियर सी जीरो एंड टू बोथ आर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज़्यादा भी हो गए ना। यहाँ पॉलिनोमियल्स कैन है मोर देन वन जीरो, तो एक जीरो से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पर भी निकला और इज इक्वल टू टू पर भी ये जीरो बन जा रहा है। तो जब जीरो बन जा रहा है तो इसका मतलब इसका यह क्या होगा? वन रूट होगा, जीरो भी और टू भी। तो एक से ज़्यादा रूट निकल गए कि नहीं निकल गए? तो टू रूट यहाँ पर मिल रहे हैं या टू जीरो यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। और रूट और ज़ीरो में कोई डिफरेंस होता नहीं है, बस केवल कहने का अलग अलग वे है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल से थोड़ा सा कनेक्ट है और ये इक्वेशन से कनेक्ट है। बस यही डिफरेंस है कि उसे पॉलिनोमियल के केस में जीरो बोलते हैं, जीरोस बोला जाता है, और इक्वेशन के केस में रूट्स बोले जाते हैं, ठीक। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2,
एक्सरसाइज 2.2 एसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड थर्ड x इज इक्वल टू 2। ये 3 केसेस दी गई हैं, इस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा px है। फर्स्ट केस में इसे अगर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन px, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा p0, यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 0 माइनस 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 0 से किसी मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 0 प्लस 3 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये इसका 3 हो गया। आगे चल के बताएंगे रिमाइंडर, तो यही रिमाइंडर बनता है। तो जो भी वैल्यू रखने पर आती है वो उसका रिमाइंडर हो जाती है। आगे चल के इस वैल्यू को डिफाइन भी किया जाएगा। तो हियर सी व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 वी गेट p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 देन इन सेकेंड केस व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px then p of minus 1 is equal to, यहाँ देखिए 5 multiplied by minus 1 minus 4 multiplied by minus 1 square plus 3। see here minus 1 से 5 में multiply करोगे तो minus 5, square करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 1 जब 4 plus 3 minus 5 minus 4 is equal to minus 9 plus 3 minus 9 plus 3 is equal to minus 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1। इट इज क्लियर। थर्ड आप स्वयं करिए, यू शुड सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पुट p ऑफ 0 p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 जो है सारे पॉलिनोमियल्स में रखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पर आपको x की या y की जो केसेस हैं वो 3 केसेस निकालनी है। यानी मतलब y की वैल्यू एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे और एक बार 2 रखोगे। 3 केसेस पर इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी इसे हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकलेगी इस गिवन पॉलिनोमियल की इसे हमें देखना है पहले 0 पर। तो यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, ठीक। यही रिमाइंडर भी होगा अगर आप जो है आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। अभी केवल आओ वैल्यू जानिए। आप p y इज इक्वल टू 1 पर देखिए
put y is equal to 1, then see here p of 1 is equal to 1 square minus 1 plus 1. 1 square means 1 minus 1 plus 1. 1, 1 cancel, bacha kitna 1. P of 1 is equal to 1. This is the value. And when we put y is equal to 2, then P of 2, यहाँ पर 2 रखो, 2 square minus 2 plus 1, 2 square means 4 minus 2 plus 1, 4 plus 1 5, 5 minus 2 is equal to 3, P of 2 is equal to 3. यहाँ पर देखिए first, second, third, इन 3 cases को हमने apply किया, तो जो जो value हमारी आती है, that is the solution of the given polynomial, वह क्या होगा, उस polynomial का solution बन जाएगा. ऐसे ही आपके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी क्वेश्चन दिए गए हैं. आइए देखते हैं सेकेंड. तो यहाँ पर पहले क्या करना है कि जो पी ऑफ जीरो कहा है तो वाई की वैल्यू जीरो रखोगे, पी ऑफ वन कहा वाई की वैल्यू वन रखेंगे, पी ऑफ टू कहेगा तो वाई की वैल्यू हम टू रखेंगे. तो इन दिस केस वी हैव टू गेट सम सॉल्यूशन, सम वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट जीरो वन एंड टू, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ वी डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू. दिस इज आवर क्वेश्चन. नाउ इन फर्स्ट केस पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू प्लस टी जीरो, टू इंटू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब. अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, बचेगा कितना, टू. P of 0 is equal to 2. This is the value of the given polynomial at point 0. And second case आप देखिए, P is equal to 1 पर इसको case wise बना देते हैं, case first और case second. Second case में क्या करेंगे, put T is equal to, यहाँ मैंने x लिखा, आप T कर लीजिए, T is equal to 1, then अब यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ रखेंगे p इज इक्वल टू, आपको दिया है पॉलिनोमियल और p ऑफ वन पे वैल्यू क्या आएगी, टू प्लस, यहाँ पर t की वैल्यू वन है, वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस t की वैल्यू क्यूब में है, तो यहाँ पर वन क्यूब हो जाएगा. ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, वन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, वन ही होगा. यहाँ देखिए ऐड करिए, टू प्लस वन प्लस टू मीन्स टू टू, फोर प्लस वन फाइव माइनस वन मीन्स दिस वैल्यू इज फोर. तो पी ऑफ वन की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर फोर आ जाएगी. ठीक है, ऐसे केस नंबर थर्ड देख लेंगे. थर्ड केस यहाँ पर क्या कह रही है, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, देन पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू क्यू. अब इसे सॉल्व करेंगे, टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर मीन्स टू टू जो फोर, टू क्यूब मीन्स एट. यहाँ क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, यहाँ टू फोर टू जा एट माइनस एट, फोर टू जा एट माइनस एट करेंगे तो क्या आएगा, फोर. तो पी ऑफ टू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, फोर. तो दैट यहाँ पर ये वैल्यू आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट पॉइंट टू, पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू. तो इन दिस वे यू शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ.
नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. कह रहा वेरीफाई करिए कि जो वैल्यूज दी गई हैं क्या वे उस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. अगर हैं तो क्या होगा. अगर जीरोज होता है तो आपको पता है पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, सेटिस्फाई करता है. अगर नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, कुछ रियल नंबर आएगा जीरो के अदर देन में. तो अदर देन जीरो आपको वैल्यू मिलेगी. सपोज करिए थर्ड का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इन फर्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, हियर गिवन x इज इक्वल टू -1/3. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, क्या होगा. इसी को हम वेरीफाई भी कहते हैं. तो p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 × -1/3 + 1. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू 0. -1 + 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px. इस px का यह एक 0 है. क्यों है, क्योंकि आपने जब वैल्यू रखा x की x इज इक्वल टू -1/3 तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका राइट हैंड साइड 0 आ जा रहा है. तो ये वैल्यू आपकी वेरीफाई हो जाती है कि ये जो आपका रियल नंबर दिया है x इज इक्वल टू -1/3, दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1. इट इज क्लियर. अगर इसे इक्वेशन के फ्रेम में दिया होता तो आप कैसे इसको सॉल्व करते. अब यहाँ पर क्या करते, पी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. इक्वेशन केस में पी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर इक्वेशन होता तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0. इसको इधर ट्रांसपोज करते 3x इज इक्वल टू -1x इज इक्वल टू -1/3. तो इक्वेशन के केस में ये आपका रूट बन जाता. तो x इज इक्वल टू -1/3 इज द रूट ऑफ द गिवन पी एक्स. तो अगर आपको पता करना है कि क्या 0 रियल में हो सकता है तो उसे 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर दो. तो आपको जो भी वैल्यू x की मिलती है डैट इज़ द रियल वैल्यू, डैट इज़ द रियल नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल. तो जो वैल्यू आपको मिलती है वह उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी. अगर उसको इक्वेशन के फ्रेम में पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख के जो है x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. बट हियर वी शुड सॉल्व द गिवन पॉइंट्स विच इन आवर क्वेश्चन. हमें केवल सॉल्व करना है जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं उन्हीं पर देखना है कि नहीं है. ठीक है, इसका सेकंड देखिए. इन सेकंड क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 5x - π. हियर एक्स इज इक्वल टू 4/5. इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पर क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 4/5 इन पी एक्स, देन पी ऑफ 4/5 सीयर 5 × 4/5 -π कैंसिल हो गया, 4 - π. ये 0 मिला, नहीं मिला ना, तो इसका मतलब क्या होगा. सो एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स. ये इसका 0 नहीं होगा. तो इस केस में क्यों नहीं हुआ, आपने देखा कि वैल्यू जो है 4 - π आ रही है ना. 4 - π इज नॉट इक्वल टू 0. तो 0 के इक्वल है नहीं, इसलिए ये जो आपका इक्वेशन या जो आपका पॉलिनोमियल दिया है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है. इट इज क्लियर.
तो जितनी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी वही आपके पॉलिनोमियल के होंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, इसी 3rd का 3rd ही हम देख रहे हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। टू वैल्यूज आर गिवन हियर। यहाँ पर दो वैल्यूज आपको दी गई हैं। इन दोनों वैल्यू पर आपको इसको देखना है सॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट वैल्यू के लिए लेंगे तो केस हमारी फर्स्ट बन जाएगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर पी ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 माइनस 1 देगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। एंड केस सेकेंड, इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 देन, ऐसी केस में क्या होगा, पी ऑफ माइनस 1, यहां रखो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में ये वैल्यू क्या निकल जाती है, 0 निकल गई ना, तो ये भी क्या हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। ये भी पी एक्स का 0 है, वेरीफाई हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये 0 आ जा रहा है। सॉल्व करने पर आपका राइट हैंड साइड जो बनता है वह 0 हो जा रहा है। तो जब 0 हो जाएगा तो 0 होने के केस में हमेशा हमें क्या वैल्यू मिलती है, वह उसका एक 0 बन जाता है। तो जो पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करेगा वह उसका एक 0 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी है, 2 से रिलेटेड। 5th है एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 0 पर यह भी सेटिस्फाई करेगा। हम 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, क्या हो जाएगा, पी ऑफ एम बाई माइनस एम बाई एल। सी हियर एल मल्टीप्लाइड बाई माइनस एम बाई एल प्लस एम। यहाँ देखिए एल से एल कैंसिल हो गया तो माइनस एम प्लस एम, ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो 0 आ जा रहा है, अगर 0 नहीं आता तो नहीं होगा। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी का, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो इसको आप रिवर्स करके भी देखिए, 2-3 बार देखोगे तो वैल्यू आपकी कंफर्म हो जाएगी। अब एक ही वैल्यू है, मैं इसीलिए ज़्यादा समय ना लेकर इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई स्क्वायर रूट 3। टू केसेस गिवन हियर। इसका भी सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पर केस बना दीजिए, इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो ऐसी केस में देन पी ऑफ, अब क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पर माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। यहाँ पर इसका स्क्वायर, अब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ लिख भी सकते हो सिंस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन यहाँ पर हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर वन आया, वन इंटू वन वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पी ऑफ माइनस वन बाई स्क्वायर रूट थ्री, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका मतलब क्या निकला, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई स्क्वायर रूट थ्री इज द या इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, पी एक्स का ज़ीरो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर टू। टू बाई स्क्वायर रूट थ्री, इफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई स्क्वायर रूट थ्री देन पी एक्स इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू बाई स्क्वायर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। यहाँ इसका स्क्वायर करिए तो क्या वैल्यू निकलेगी, थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू स्क्वायर मीन्स टू टू जब फोर, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री, माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, तो फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर ये जो पी एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पी एक्स की वैल्यू पी ऑफ टू बाई स्क्वायर रूट थ्री, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्री आया, जीरो तो आया नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू टू बाई स्क्वायर रूट थ्री इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स का यह ज़ीरो नहीं होगा, वेरीफाई नहीं कर रहा है, वेरीफाई करता कब, जब ये ज़ीरो हो जाता तब, तो ऐसी केस में ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। नाउ वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा कि जो केसेस दी गई हैं इस केस में आप ज़ीरो फाइंड आउट करिए, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। अब देखिए फोर्थ का फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो हमें जीरोस पता करने हैं, तो जीरो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड केस देख लीजिए, इसके सेकंड क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू फाइव, दिस इज आवर ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन सेकेंड। ऐसे ही थर्ड में दिया है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, क्या करेंगे, नाउ वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, हियर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, दिस इज आवर ज़ीरो। ऐसे इसका फिफ्थ देखिए, फोर्थ भी ऐसे लगेगा, फिफ्थ पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देन वी गेट थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, बिकॉज वी नो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वी हैव टू पुट द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी गेट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें ज़ीरो पता करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख कर सॉल्व करते हैं, मतलब उसको एक इक्वेशन के फ्रेम में रिप्रेजेंट करके वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है ए एक्स, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि ए ज़ीरो नहीं है। अब अगर ए ज़ीरो नहीं है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम करेंगे, क्योंकि फार फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ज़ीरो बी नो डैट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखना है, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे अब क्या होगा, ए ज़ीरो है ही नहीं क्वेश्चन में, कह दिया तो एक्स ही ज़ीरो निकलना चाहिए ना,
तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तभी तो ये आपका जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, P ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी केस किया है कि C डज नॉट इक्वल टू जीरो, सी डी आर रियल नंबर्स, सी डी दोनों रियल नंबर्स हैं। अब ऐसी केस में आपको सॉल्यूशन पता करने के लिए क्या करना होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब सी जीरो हो नहीं सकता है, इसको ट्रांसपोज करिए, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। नाउ एक्स इज इक्वल टू सी को भी ट्रांसपोज करोगे माइनस डी बाई सी, ये इसका जीरो हो जाएगा। तो जीरोस पता करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के इक्वल रखिए, जो भी वैल्यू आती है दैट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही केसेस तैयार होते हैं, एंड आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।